है आपकी? 28 मार्च 1960। 28 3 1960। 28 बोला ना आपने, सॉरी, हाँ, 28 28 28 3 कितना बना? बस तीन ठीक चार है। सात दो सात नंबर आता है, दस दो सॉरी नंबर, 11। इलेवन राइट, टू दो नंबर आपका बना यहाँ पे। दो दो नंबर के हम क्या बोलेंगे? दिस इज नंबर अ पे रिलेशनशिप, वो तो बेटर ही है। हाँ नहीं, ये आपने बोला, चंद्रमा से बोला आपने। आई एम अच्छा कमिंग टू दैट। द टाइम इज गुड फॉर योर मेकिंग न्यू फ्रेंड्स हु विल हेल्प अच्छा यू इन योर फ्यूचर, हु विल हेल्प यू इन योर जर्नी ऑफ योर वर्क प्रोफाइल। राइट, द टाइम इज अच्छा गुड फॉर पेशेंस, गुड प्लानिंग के लिए अच्छा समय है ये ओवरऑल लिविंग सिचुएशन के लिए अच्छा समय है। अवॉइड अननेसेसरी वरी एंड हरी, अननेसेसरी इस पे आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, दिमाग को शांत रखना पड़ेगा थोड़ा। द टाइम इज गुड फॉर रियल एस्टेट एक्टिविटी, टाइम इज गुड फॉर अपना ओवरऑल हाउस, अपना अपार्टमेंट, जिस घर में आप रहते हैं उस घर के लिए अच्छा है। इमोशनल ईयर है, बट प्रैक्टिकली आप इसको देखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, इमोशनली आप ज्यादा करेंगे तो आपको नुकसान होगा। यू नीड टू टेक अप्रोच ऑफ प्रैक्टिकलिटी इन दिस ईयर। सर, जनरली ईयर इज अ गुड ईयर फॉर आकर्षण टुवर्ड्स द पार्टनरशिप, टुवर्ड्स द न्यू एक्टिविटीज, टुवर्ड्स द काम, जो भी आप नए टास्क लेते हैं उनके लिए अच्छा रहेगा इस समय। दोस्त बनाने के लिए, कई दोस्तों के लिए अच्छा है, यात्राओं के लिए अच्छा है, ट्रैवलिंग के लिए गुड समय है, अच्छा समय है ट्रैवलिंग के लिए। इफ यू आर गोइंग फॉर ए न्यू रिलीजियस प्लेसेस, कोई यात्रा कर रहे हैं, अच्छा। लेकिन इसमें आपको हिदायत ये दी जाएगी कि धैर्य रखेंगे इस पूरे साल में, जितना धैर्य लेके काम करेंगे उतना आपके काम सक्सेसफुल होंगे, जितना धैर्य कम होंगे उतना दिक्कत आएगी। ये ब्रो, आप इस साल के अंदर सर आपको कई आशंकाएं पैदा होंगी, फालतू की डाउटफुल मैं एक्टिविटीज। तो चंद्रिका जी आप सुन नहीं रहे, आप अपनी एक गंडा कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ आपकी परीक्षा बोल रहा हूँ, आप सुन ही नहीं रहे, आप ही अपनी गंडा कर रहे हो। देन एंजॉय इट, ठीक है।